जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, 2024 यात्रा को सुंदर और सुगम बनाने के लिए केदारनाथ यात्रा प्रबंधन के द्वारा यात्रियों के सेवा के लिए कुछ जरूरी और बड़े कार्य किया जा रहा है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप सभी 2024 की यात्रा पर केदारनाथ धाम आते हैं तो आप सभी को यह सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चार धाम यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, नंबर वन अपडेट के बारे में बात करें तो जो भी यात्री केदारनाथ धाम पर पहले आते थे वह बहुत ही ज़्यादा शिकायत करते थे कि सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग तक रात्रि के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है और अंधेरे में ही श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग से गुजरना पड़ता था। लेकिन इस वर्ष आप सभी का यह शिकायत दूर होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक पूरे 21 किलोमीटर के बीच करीब 850 उच्च क्षमता की स्ट्रीट एलईडी लाइट लगाई जा रही है और इस 21 किलोमीटर मार्ग में हर 24 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और जहां भी कैचीदार घुमावदार रास्ते हैं वहां पर दो या संभवतः 3 स्ट्रीट एलईडी लाइट लगाई जाएगी। और इस बारे में ऊर्जा निगम ने कार्य योजना पूरी तरह से तैयार कर लिया है और जिस भी स्थान पर लाइट लगेगी उस स्थान को चिन्हित भी कर लिया गया है। और मार्च के अंतिम सप्ताह यह अप्रैल के पहले सप्ताह से इस कार्य को शुरू कर लिया जाएगा और यात्रा शुरू होने से पहले ही लाइट लगाने का कार्य खत्म कर लिया जाएगा। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर रात्रि में श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और पूरा केदारनाथ मार्ग रोशनी से जगमगा जाएगा। वहीं दोस्तों, नंबर टू अपडेट में बात करें तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है, इस बार चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सरकारी अस्पताल शुरू हो जाएंगे और इन अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो जो भी अस्पताल में उपकरण की कमी है वे सभी जल्द से जल्द खरीद करके पूरा कर लिया जाएगा और इस वर्ष चार धाम यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 150 लोगों की टीम की तैनाती की जाएगी जो कि हाई एल्टीट्यूड में काम करने का प्रशिक्षण लिया होगा। और ऐसे में अब मेडिकल की तरफ से भी यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, नंबर थ्री अपडेट में बात करें तो 2024 में इस वर्ष 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सेवा देंगे। पिछले साल भी 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां ने सेवा देने के लिए मंजूरी दिया था लेकिन बाद में यात्रा खुलने से पहले ही केस्ट्रल हेली कंपनी को बैन कर दिया गया था। उनके साथ क्या घटना घटी थी वो तो आप सभी को पता ही होगा और इस वजह से पिछले वर्ष 8 हेली कंपनियां ही अपनी सेवा दिए थे जिससे उन पर लोड काफी बढ़ गया था और यात्रियों को भी कम हेली टिकट ही मिल पा रहे थे। लेकिन इस वर्ष केस्ट्रल की जगह ट्रांस भारत हेलीकॉप्टर सर्विस अपनी सेवा देंगे और इस वर्ष पूरे 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सेवा देंगे जिससे अब यात्रियों को और ज्यादा सेवा मिल पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही केदारनाथ धाम से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहे। आगे जो भी यात्रा से जुड़े और अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।